और कम से कम जो तीन लोग आपके अनशनकारी बैठे हैं उनकी तरफ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके लिए अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। तो शांतिपूर्वक आपकी बात, आपको आंदोलन शांतिपूर्वक चलाना है। और मैं मेरी तरफ से बेहतरीन जो सेतु का काम होता है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी दर्द हो तैयार आप रात में आपको। कल भी आगे गया था, आज भी आया हूँ, और जब भी समय मिलेगा आपके बीच में आऊँगा। और मैं सरकार तक मंत्री जी से मिलूंगा, CMO में अधिकारियों से मिलूंगा, और मैंने उनको कहा था कि इनको पीड़ा को देखते हुए रास्ता निकालना चाहिए, और जिसके लिए सरकार पहल करने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार बीच का रास्ता निकालकर आपको भी न्याय प्रदान करेगी। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, अरे ऊपर वाला ये सिस्टम भी दुख रहा है, मेरी आवाज तो वैसे तेज आती होगी, नहीं तो मैंने आप सबको बता दिया लगातार, सब समझ गए। जो नए नए आए वो पुराने समझा देना, क्योंकि सरकार से समझौता होने के बाद व्यक्ति का स्टैंड होता है। मैंने 12 तारीख को लोगों को समझाया था, ये आकाश थे उदास थे, बोला रजाई की व्यवस्था भी नहीं हो रही, टेंट वाला मना कर रहा था। मैंने टेंट वालों को कहा भाई रजाई क्यों नहीं दे रहा, फिर व्यवस्था भी कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे व्यवस्था भी। और देखो आज ये चीजें देखो, मैंने समझाया था कि तुम लोग लीडरशिप करना सीखो, टीचर नेता बनाता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। कब तक तुम दूसरों पर आधारित रहोगे, ये भी खुद अपने आप में लीडरशिप करोगे तो उसका परिणाम मिलेगा। आप देख लीजिए, आप लीडरशिप खुद ने की ना, आप देख लीजिए शानदार पूरे राजस्थान चर्चा का विषय बना हुआ है कि रीट वाले वहां धरने पे बैठे हुए। ये आपके लीडरशिप, आपकी एकता और आपके साहस का एक बड़ा परिचय है, और इसको वो लगातार बनाए रखना। यार हम लोगों के कठपुतली बन जाते हैं, लोग राजनीतिक उपयोग हमारा युवाओं का कर जाते हैं, हम लोगों को नेता बना देते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख जाएंगे तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं आपको हरा देगी। आज शनिवार है, संडे है, तो दो दिन तो है ही, जो काम होगा अगले वीक नेक्स्ट वीक जो वर्किंग डे होगा उसी में नतीजा निकलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कि अब चले गए अपना तो होगा ना, इन तीन भाइयों के लिए जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं भाई, अनशनकारियों की पीड़ा मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। मैं भी तड़पता था अनशन से, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अनशन मैंने किए, 10 के करीब अनशन कर दिए। अक्टूबर नवंबर में 2 अनशन हो गए थे। तो अनशन में जो हालात होती है, जो भूख लगती है, जो दुर्दशा होती है, या तो मैं जानता हूँ या तीन भाई जानते हैं, लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां जो आप लोगों ने। लखनऊ पड़े रहे, लेकिन आखिरकार संघर्ष की जीत हुई कि नहीं हुई? हुई। तो आपकी भी होगी यार, क्यों हताश हो रहे हो? इतना विशेष कर मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं नहीं, अरे बात कर यार, इसमें मैं लगाऊं और इस अंतिम पड़ाव का परिणाम भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। रीट के पास, रीट के पास, रीट के पास, अभी भी आते बोल रहे।